आइए मैं आपको स्लीव की कटिंग बता दूं। और कपड़े को चार फोल्ड में लेना है इस तरह से। ये दो फोल्ड हमारा है, अब हम इसको इसी के ऊपर फोल्ड कर देंगे तो ये चार फोल्ड हो गया। पहले हम यहाँ सीधे दाग लगा लेंगे। अब हमारी स्लीव की लंबाई है 17 इंच, इसमें 1.5 इंच हम प्लस करेंगे तो यहाँ हुआ 18.5 इंच। हम यहाँ 18.5 इंच पे दाग लगाएंगे। अब इस दाग को मिला देंगे। अब हमारी मुहरी है 10 इंच, 10 का हम आधा लेंगे तो हुआ 5 इंच। अब हम यहाँ आ जाएंगे, हम यहाँ से 3.5 इंच नीचे उतारेंगे, यहाँ से भी 3.5 इंच नीचे उतार के एक दाग करेंगे। हम यहाँ जो नाप लेंगे हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। चेस्ट है हमारा 38 इंच, 38 का चौथा भाग हुआ 9.5 इंच, हम उसमें 2 इंच माइनस करेंगे तो और हुआ 7.5 इंच। हम यहाँ 7.5 इंच पे दाग लगाएंगे। हमने जो 3.5 इंच पे दाग लिया है उसी पर हम 7.5 इंच पे दाग लगाएंगे। अब हम इस दाग को इससे मिला देंगे। अब हम इस दाग को मिलाएंगे। दोस्तों अगर आपको बाजू काटने का फॉर्मूला अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताएंगे। अब हम यहाँ से गोलाई देते हुए चले जाएंगे। अगर आपको ये गोलाई अगर देना नहीं आ रहा है, आपका नया हाथ है, अगर आप बिगिनर हैं, आपको इसकी गोलाई देना नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 2.5 या 3 इंच पे एक दाग लगाएंगे। इस दाग को इस दाग से मिला देंगे इस तरह से, मिलाकर के सिर्फ यहाँ हल्की सी गोलाई दे देंगे तो ठीक हमारा उसी तरह बाजू का शेप आके मिल गया। अब हम इसमें डीप शेप लगाएंगे। हम इस तरह से यहाँ से लेते हुए हम इस दाग में मिला देंगे। ये हमारा डीप शेप हो गया। ये हमारा सामने का शेप है और ये पीछे का है। अब हम यहाँ सिलाई का कपड़ा ले लेंगे। ये हमारी बाजू तैयार है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ एक कट लगा लिए, अब इसको हम खोलेंगे। हम इस तरह से दो पार्ट लेकर खोलेंगे, इस तरह से खोल के हम इसको काटेंगे, एक तरफ ही काटेंगे।